में हम स्काडा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम स्काडा के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदु पर सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम यहाँ पे सुपरवाइजरी कंट्रोल को समझने की कोशिश करते हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल का मतलब क्या है। अभी हम मान के चलते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी एक कंपनी है, उस कंपनी को तीन भागों में बांटा जाता है, ये ए बी और सी। तो यहाँ पे हमने इसको तीन भागों में बांट दिया या फिर हमने इस पूरे प्लांट को हमने तीन डिपार्टमेंट में बांट दिया, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड सी डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में हमने एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया हुआ है, तो बाकी के जो वर्कर्स है उन वर्कर्स से काम करवा रहे हैं और उन वर्कर्स से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। शॉप फ्लोर का जितना भी डेटा है, जितना भी हमारा प्रोडक्शन चल रहा है या फिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारा डेटा कलेक्ट करता है और उसको उसके बाद फीडबैक देता है हमारे मैनेजमेंट को। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा बी डिपार्टमेंट है और सी डिपार्टमेंट है, इसका भी यही काम है। ठीक है, सुपरवाइजर का काम है जो शॉप फ्लोर में जो वर्कर्स है उनको हैंडल करना, उनसे काम करवाना, उनसे आउटपुट निकलवाना और उसके बाद जो भी डेटा रहता है उस डेटा को आगे फॉरवर्ड कर देना, जो कि मैनेजमेंट रहता है। ठीक है, मैनेजमेंट को फॉरवर्ड करना, इसी तरीके से सी डिपार्टमेंट का भी काम है। तो सेम हमारा यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसको सुपरवाइजर को कंट्रोल करता है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो है वो कमांड करता है सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर कमांड करते हैं सॉफ्ट फ्लोर के वर्कर्स को। सॉफ्ट फ्लोर के वर्कर्स से जो भी यहाँ पर डेटा रहता है, जो भी प्लांट का डेटा रहता है, वो फीडबैक देता है मैनेजमेंट को। ठीक है, सुपरवाइजर। तो सेम हमारा यहाँ पे सुपरवाइजरी कंट्रोल का हमारा यही मतलब है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई, स्काडा भी लगभग कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, हमें स्काडा को यहाँ पे अगर हम बात करें फंक्शन लेवल ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल ऑपरेशंस के लिए, तो जो हमारे प्लांट होते हैं, अगर हम मानते चले हम अपने प्लांट को दो भागों में बांट गए। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने प्लांट को दो भागों में बांट दिया और जो ये वाला प्लांट जो है ये हमारा फील्ड लेवल है, यानी कि शॉप फ्लोर है जहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, चाहे कोई प्रोडक्शन एरिया हो या फिर चाहे जनरेशन एरिया हो, जहाँ पे ट्रांसमिशन एरिया हो या डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया हो, जहाँ पे पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो एरिया प्लांट लेवल वहाँ पे है। उसके बाद हम अपने इस सिस्टम को हम चार लेवल में बांटते हैं। ठीक है, लेवल वन डायरेक्ट कंट्रोल, लेवल टू प्लांट सुपरवाइजरी, लेवल थ्री प्रोडक्शन कंट्रोल एंड लेवल फोर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे एक प्लांट में हमने चार माइक्रो कंप्यूटर को अपॉइंट किया हुआ है। यहाँ पे एक प्लांट में चार माइक्रो कंप्यूटर हमने यूज किए हुए। अब ये माइक्रो कंप्यूटर आपके मशीन के HMI हो सकते हैं, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। मशीन के HMI हो सकते हैं और इन HMI को या फिर इस माइक्रो कंप्यूटर को, माइक्रो कंप्यूटर टैबलेट हो सकते हैं या फिर डेस्कटॉप हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक प्लांट में हमने चार माइक्रो कंप्यूटर को लगा रखा है। इन चारों माइक्रो कंप्यूटर्स में हमने क्या काम करता है, हर दो माइक्रो कंप्यूटर्स को हमने सुपरवाइजरी कंप्यूटर से कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरीके से इस प्लांट में भी हमने यही काम किया हुआ है, हर दो सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स को हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर से कंट्रोल किया हुआ है और दो कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स को हमने एक सुपर जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है या तो आप एनजीओ कंट्रोल हुआ है वहां से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो यहाँ पे प्लांट लेवल का जो भी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, जो भी यहाँ पे जो हमको यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा डेटा इनपुट मिल रहा है, उस डेटा इनपुट को जो कंप्यूटर सेंटर है वहां पर डिस्प्ले किया जा सकता है और वहां से अगर हम किसी भी माइक्रो कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, मान के चलिए हम इस माइक्रो कंप्यूटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कोई भी कमांड देना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल रूम है वहां से हम अपने कंप्यूटर सेंटर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसको हम शटडाउन करना शटडाउन कर सकते हैं, ओपन करना ओपन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का अपना कोई काउंटर बनाना है, टाइमर बनाना है, किसी भी तरह कोई भी ऑपरेशन अगर हमने इसमें ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, वो हम किसी भी माइक्रो कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन की। तो सभी तरह यहाँ पे बात करते हैं कि डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्काडा, जिसकी एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी है। तो स्काडा जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में यूज करते हैं, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया या फिर जनरेशन सिस्टम हो गया वहां पर उसको यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो इंडस्ट्रीज है वहां पे हम स्काडा को यूज करते हैं, बाकी टेलीकॉम एंड आईटी बेस्ड सिस्टम जो होते हैं वहां पे हम स्काडा को यूज करते हैं, कई बार वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम जो होते हैं हमारे, चाहे हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है या फिर हम पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां पे हम स्काडा को यूज करते हैं, बाकी ट्रैफिक कंट्रोल आपने देखा रहेगा रोड पे ट्रैफिक लाइट रहती है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट रहती है, उनको भी स्काडा से कंट्रोल किया जाता है और बाकी लिफ्ट और एलिवेटर्स को भी कई जगह पे स्काडा से कंट्रोल किया जाता है। तो हमने कुछ टाइम पहले आपको डीसीएस की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डीसीएस के कुछ बेसिक जानने की कोशिश करी थी। स्काडा और डीसीएस आज के टाइम में लगभग लगभग दोनों कंट्रोलर सेम ही माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें मेन सिस्टम कंपोनेंट्स की, तो भी जो स्काडा है हमारा, स्काडा में मेन जो सिस्टम है या फिर मेन जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हम यूज करते हैं। तो देखिए पहला तो यहाँ पे हमारा है वह सुपरवाइजरी कंप्यूटर। सुपरवाइजरी कंप्यूटर एक हमारा सुपरवाइजरी कंप्यूटर होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये हमारा सुपरवाइजरी कंप्यूटर है, बाकी ये भी कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है और बाकी ये दो भी कंप्यूटर है। ठीक है, तो इन सभी कंप्यूटर्स को एक सुपरवाइजरी कंप्यूटर से हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक सुपरवाइजरी कंप्यूटर होगा, दूसरा यहाँ पे हमारा आरटीयू होगा। आरटीयू को बोला जाता है रिमोट टर्मिनल यूनिट। रिमोट टर्मिनल यूनिट मीन्स ये रिमोट का आरटीयू जो होता है ये जो हमारे फिजिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनके साथ में कनेक्ट होता है। फिजिकल इक्विपमेंट्स मीन्स मतलब हमारे स्विचेस हो गए, प्रेशर गेज हो गए, सेंसर्स हो गए, टाइमर्स हो गए, उनके साथ में हमारा आरटीयू जो है वो कनेक्ट रहता है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी, यस इसका हम पीएलसी यूज करते हैं, वो पीएलसी यहाँ पे यूज होता है। अभी इस कारण में हो सकता है कि इस कारण की मदद से हम एक पीएलसी को कंट्रोल कर रहे हो, ये भी हो सकता है इस कारण की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी को यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि हमने एक मशीन है हमारी, कोई भी एक प्रोसेस की मशीन है हमारी, उस मशीन में हमने पीएलसी यूज करी हुई है। ठीक है, किसी भी पीएलसी हो सकती है वो हमने यूज करी है। सेम इसी तरीके से एक और मशीन है हमारे पास, वहां पर भी हमने पीएलसी यूज कर रखी है। इस तरीके से चाहे कितनी भी पीएलसी हमने अपनी खुद प्लांट में यूज करी, तो इन सभी पीएलसी को हम कनेक्ट कर सकते हैं इस कारण के साथ। तो हमारे सुपरवाइजरी
कंप्यूटर है वहाँ पे हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी देखिए जो हमारा आरटीयू है, पीएलसी है और एचएमआई है, तो इन सभी को आपस में कनेक्ट करना है और इन सभी को सुपरवाइजरी कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करना है। तो ये कौन करेगा? ये करेंगे कम्युनिकेशन जो हमारी केबल्स होंगी वो करेंगे, उनकी मदद से हम इनको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस की। ह्यूमन मशीन इंटरफेस मींस यहां पे हमने आपको सिमेंस की एचएमआई दिखा रखी है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ह्यूमन मशीन इंटरफेस में हम क्या काम करते हैं, यहां पे ये तरीके का हम इसमें GUI का मतलब होता है यहां पे ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। मतलब कि हम ग्राफिक की मदद से अपने किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रोसेस को हम वॉच कर सकते हैं, अपने किसी भी प्रोसेस को लाइव देख सकते हैं कि हमारा कोई प्रोसेस जो चल रहा है किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से सुपरवाइजरी कंप्यूटर जो होता है हमारा, उसमें भी हम ये करते हैं, हम अपना जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है उसको हम एनिमेशन के द्वारा अपने सिस्टम में देख सकते हैं कि मेरे प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। अगर कहीं का कोई फॉल्ट होता है तो हमको तुरंत पता लग जाता है कि किस सिस्टम में हमारा फॉल्ट है और किस सिस्टम में हमें क्या करने की जरूरत है। इस तरीके से अगर हमारे पूरे प्लांट में मान लीजिए किसी भी एक एलसी में ग्राउंड होती है, एक मशीन वाली ग्राउंड जाती है, तो हम अपने सुपरवाइजरी कंप्यूटर से डायरेक्ट इस एलसी को कमांड देकर इसको हम ऑफ कर सकते हैं, बाकी का जो फंक्शन है हमारा वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। तो देखिए जो हमारा स्टार्ट होता है वो टाइप्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल का एक पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल जो होते हैं वो हमारे एनालॉग कंट्रोल, एनालॉग कंट्रोल, डिजिटल कंट्रोल। तो डिजिटल कंट्रोल के भी कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि सुपरवाइजरी कंट्रोल, डिजिटल डाटा कौन सा है कंट्रोल यूजिंग स्मार्ट सेंसर, स्काडा एंड डीसीएस, जिसकी डीसीएस के बारे में तो हमने बात कर ली थी, तो आज हम स्काडा के बारे में बात कर रहे थे। स्काडा, तो ये देखिए स्काडा जो है वो एक प्रोसेस कंट्रोल का सिर्फ एक पार्ट है, उनका पूरा स्काडा जो है वो एक सिर्फ एक पार्ट है। और स्काडा और डीसीएस को हम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो होते हैं ना वहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे लार्ज कॉम्प्लेक्स है, जैसे पावर सिस्टम है, पावर जनरेशन है, वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है हमारा, ठीक है। हमारे ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और केमिकल जनरेटर प्लांट है, तो वहाँ पे हम डीसीएस या स्काडा यूज करते हैं। और डीसीएस और स्काडा दोनों ही अलग अलग कंट्रोल है, ठीक है। आपके झूठ मत है कि डीसीएस और स्काडा दोनों देखिए, डीसीएस अलग है, ठीक है, डीसीएस अलग है, स्काडा अलग है। उसके बाद आपकी बात आती है पीएलसी बेस्ड कंट्रोल, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इसके ऊपर भी हमने काफी सारी वीडियो बना रखी है, आगे भी बनाते रहेंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। उसके बाद इंटेलिजेंट कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंट्रोल जो है वो एक पार्ट है प्रोसेस कंट्रोल के। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक लेडी है वो अपने सिस्टम के सामने बैठी हुई है और यहाँ पे इसके सिस्टम में जो है वो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे कुछ तीन टैंक है और एक मेन टैंक है। तो ये जो डिस्प्ले जो है आपको दिख रही है ये स्काडा की डिस्प्ले है, ठीक है, स्काडा के सॉफ्टवेयर की डिस्प्ले है। यहाँ पे ये कंटिन्यू वॉच कर रही है अपने प्लांट में जो भी प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में यहाँ पे ये वॉच कर रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम स्काडा के सॉफ्टवेयर में अपने प्लांट को लाइव जो है वो वॉच कर सकते हैं। और अगर हम किसी भी प्लांट के किसी भी कंट्रोलर में अगर हमको कोई भी कमांड देंगे तो हम ऐसे डायरेक्टली उसको कमांड दे सकते हैं। तो ये सारी काम होते हैं। अभी ये जो एक सिंपल मतलब डेस्कटॉप के लिए इसको वॉच कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि इसका मतलब यहाँ पे ये यूज कर रही है वो वहाँ पे एक छोटा सा प्लांट होगा जहाँ पे स्काडा से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन अगर पावर सिस्टम की बात करें हम, यानी पावर प्लांट की बात करें हम, जहाँ पावर प्लांट में ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जनरेशन लाइन में हम स्काडा यूज करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी डिस्प्ले होती है, ठीक है। वहाँ पे इन डेस्कटॉप पे काम नहीं चलता है, वहाँ पे बहुत बड़ी डिस्प्ले होती है और वहाँ पे उन सब चीजों को वॉच किया जाता है। उन सब चीजों को जो है अगर कहीं की हमें लाइट काटनी है, कुछ भी करना है, तो हम वहाँ से डायरेक्टली जो हमारा कंट्रोल रूम होता है या फिर जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है वहाँ से हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक इमेज आपको दिख रही है, तो ये जो प्रोसेस जो चल रहा है यहाँ पे एनिमेशन के द्वारा यहाँ पे देखिए समझ सकते हैं कि हमारे प्लांट में जो है वो ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारी मोटर ऑन हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारा पंप चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रेशर गेज में कितना प्रेशर दिखा रहा है, 1.20 bar, 2.4 bar, इस तरीके से हमारा प्रेशर गेज में प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, इस तरीके से यहाँ पे हम लाइव जो है जो भी हमारा प्रोसेस जो चल रहा है प्लांट के अंदर उसको हम स्काडा की मदद से हम लाइव देख सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके का कोई अगर हमें कमांड देनी है तो हम अपने किसी भी कंट्रोलर को कमांड दे सकते हैं स्काडा की मदद से। तो ये था एक बेसिक वीडियो स्काडा के ऊपर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बार चैप है तो आप लोग सोचेगा।